राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसको पोक्सो एक्ट 2012 कहा जाता है, पर चर्चा करेंगे। कब किसी व्यक्ति पर पोक्सो एक्ट, जिसको व्यवहार में पॉक्सो भी लोग बोलते हैं, लेकिन मेन इसको पोक्सो कहा जाता है, ठीक है। यानी ये जो कानून बनाया गया है, ये बालकों के संरक्षण के लिए है। जब किसी बालक पर कोई लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, तब ये एक्ट लगाया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि इस एक्ट के तहत किसी पर केस कब लगाया जाता है, इस एक्ट के साथ साथ उस पर और कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं, इस एक्ट के लगाए जाने पे इसका प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने दो धाराओं का जिक्र किया है, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8, यानी धारा 7 और 8 कब किसी व्यक्ति पर लगती है, और आईपीसी की धारा 354 ए कब किसी पे लगाई जाती है। यानी ये दो धाराएं अगर साथ साथ किसी पे लगी हुई हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है, उस व्यक्ति को कितने दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा दोषी ठहराए जाने पे, क्या उसे जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, कितनी सज़ा उसे दी जाएगी, कितना जुर्माना लगाया जाएगा, इन सब विषयों पे विशेष चर्चा करने के लिए ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पॉक्सो एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट तो उनको पता ही होना चाहिए अक्सर। साथ ही साथ जो व्यवहारिक ज्ञान है, यानी जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिनके खिलाफ ये धाराएँ लगाई गई हैं, या जो लोगों ने इन धाराओं को लगवाया है किसी पर, यानी FIR दर्ज करवाया है इस धारा में, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि इस एक्ट के बारे में जो कुछ मैंने यहाँ आपको बताया है, बिल्कुल ये सारे प्रोविजन विद कानून के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं, जो आपके कानून में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई बात मैं अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। साथ ही साथ जो कुछ वीडियो में बताया जा रहा है, अगर यहाँ कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, या इससे संबंधित कोई अन्य विषय पे, ठीक है, SC ST एक्ट पे, IPC पे, उत्तराधिकार को लेकर के, या कोई भी कानूनी मामला आपका फंसा हुआ है, या उस पर कोई राय लेनी है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ PCSJ, APO और HJS यानी न्यायिक सेवा की तैयारी भी कराई जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। जिस किसी बच्चे को PCSJ, APO या HJS की तैयारी करना है, वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाए और आपको उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 7-8 और IPC की धारा 354-354A। IPC को भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन पैनल कोड भी कहते हैं। FIR वगैरह की कॉपी में शॉर्टकट में भा द और सा लिखा रहता है, भारतीय दंड संहिता भा द सा, इसका मतलब है भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पैनल कोड, शॉर्टकट में IPC कहते हैं उसको। तो धारा 354-354A अगर लगी है तो आप IPC समझ जाइए यहाँ पे। हाँ, 354 का क्या, खा क्या होता है, गा क्या है, घा क्या, इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। पॉक्सो एक्ट की धारा अगर किसी पे 7-8 लगी है, तो ये धारा भी उस पे लगभग लगभग लगी होती है। अब प्रश्न यहाँ पे यह है कि समझिएगा, ये पॉक्सो एक्ट जो लगती है, ये तब लगती है जब उसमें पीड़ित, जो पीड़ित है जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, वो बालक है। यानी बालक का मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, किस समय, जिस समय उसके विरुद्ध अपराध हुआ है, उस समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। अगर 18 वर्ष पूरा हो चुका था, चाहे उसी दिन पूरा हो गया है, तो अब पॉक्सो एक्ट के तहत केस नहीं दर्ज होगा, क्योंकि अब वो 18 से कम नहीं रह गया, बल्कि 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या उससे ऊपर है, तब भी ये एक्ट नहीं लगेगा। एक नई बात ये है कि
जो बालक शब्द है, बालक में वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही यहाँ बालक कहा गया है। अगर यहाँ धारा 7-8 में बताए गए जो अपराध हैं, इसको मैंने यहाँ लिखा भी समझाऊंगा, अगर इस तरह का कोई कृत्य किसी बालक के विरुद्ध किया जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, इससे मतलब नहीं है, वो लड़की हो या लड़का हो या थर्ड जेंडर हो, सभी पे ये एक्ट अप्लाई होगा, बशर्ते उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो जिस समय उसके विरुद्ध अपराध हुआ है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लेकिन ये धारा 354 ए केवल तभी लागू होती है जब अपराध करने वाला व्यक्ति 354 ए के लिए पुरुष हो, ठीक है, कौन हो, पुरुष हो, और 354 में चाहे पुरुष हो या महिला हो। लेकिन ये अपराध 354 और 354 ए का केवल और केवल महिला के विरुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ किसी भी एज की महिला हो इससे मतलब नहीं है। यानी ये 354 और 354 ए का जो अपराध है ये केवल और केवल महिलाओं के लिए या बालिकाओं के विरुद्ध होने वाला अपराध है, ये इसमें बालक में बच्चा नहीं आएगा, यानी लड़का कोई शामिल नहीं है, ठीक है, यानी मेल इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर मेल के विरुद्ध नहीं, किसी लड़के के विरुद्ध इस तरह का कोई कार्य किया गया है, ठीक है, तो ये धारा नहीं लगेगी, केवल पॉक्सो एक्ट की ही धारा 7/8 लगेगी, ये धारा वहाँ नहीं लगेगी। जब पीड़ित जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है वो लड़की है तब ये पॉक्सो एक्ट और आईपीसी दोनों लगेगी, जब पीड़ित केवल लड़का है तब पॉक्सो एक्ट ही केवल लगेगा, वहाँ पे ये आईपीसी नहीं लगेगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 है क्या, ठीक है, पॉक्सो एक्ट की धारा 7 क्या है, देखिए 7 में परिभाषा है 8 में सजा है, इसीलिए 7/8 लगती है। 7/8 अगर लगेगी तो सजा कितना है पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, कम से कम 3 वर्ष तक का कारावास, मिनिमम 3 साल का सजा उसे दिया जाएगा अगर उसे दोषी पाया गया पॉक्सो एक्ट की धारा 7-8 में, तो उसे कम से कम 3 साल के लिए जेल जाना ही होगा। जब दोषी हो जाएगा कोर्ट से तब, पुलिस अरेस्ट जब करती है तब नहीं, जब दोषी हो जाएगा न्यायालय के द्वारा तब, और अधिकतम उसे 5 साल तक भी सजा दी जा सकती है, लेकिन कम से कम 3 साल की सज़ा ज़रूर दी जाएगी, और साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माना कितना लगाया जाएगा, जितना कोर्ट उचित समझेगा उतना, कोई रकम फिक्स नहीं है, लेकिन ये जुर्माने की रकम आईपीसी की धारा 63 के अनुसार अनलिमिटेड हो सकता है किंतु एक्सेस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी अमर्यादित हो सकता है किंतु अत्यधिक नहीं होगा, जो भी उस अभियुक्त की परिस्थितियां होंगी, आर्थिक स्थिति होगी, उसको ध्यान में रखते हुए लगाया जाएगा। अब ये पॉक्सो एक्ट लगाया कब जाता है, ये धारा 7 कहती क्या है, लिखा है जो कोई में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यानी पॉक्सो एक्ट महिला पे भी लगाया जा सकता है, किसी पुरुष पे भी लगाया जा सकता है, यानी अगर अपराधी महिला है तो उस पे भी लगाया जा सकता है, अपराधी अगर पुरुष है तो उस पे भी लगाया जा सकता है, और पीड़ित अगर महिला है तो उसके पक्ष में भी लग सकता है, और वो बालक लड़की है तो भी उसके पक्ष में भी लग सकता है। तो लिखा है जो कोई लैंगिक आशय से बालक का मतलब जिसकी उम्र 18 से कम हो, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो 1 साल की बच्ची है तो भी ये धारा लग जाती है, बालक की योनि, ठीक है, उसकी योनि में या उसके लिंग या गुदा या उसके स्तनों को स्पर्श करता है, यानी अगर कोई भी महिला या पुरुष किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के लड़की या लड़का के, चाहे उसकी सहमति हो या सहमति ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 18 से कम है तो सहमति नहीं मानी जाती, उसके योनि को स्पर्श करता है, हाथ लगाता है, या उसके लिंग को पकड़ता है या उस पर हाथ लगाता है, उसको छूता है, या उसके गुदा को, ठीक है, छूता है या स्पर्श करता है, या उसके स्तन को छूता है, स्पर्श करता है, दबाता है, तो किस आशय से, ध्यान दीजिए, किस आशय से, लैंगिक आशय से, यानी जिससे उसके साथ संबंध बनाया जा सके, इस आशय से, कहीं बस में, ठीक है,
मेले में या अन्यथा ठीक है शरीर से शरीर स्पर्श हो गया तो वो लैंगिक आशय से ठीक है गुदा वो लिंग को या स्तन को दबाया नहीं गया है, बल्कि वो क्या हुआ है वो स्पर्श हो गया है। ठीक है वहाँ कोई आशय अगले का नहीं था, बल्कि वो भीड़ भाड़ की वजह से हुआ, तो वहाँ कोई अपराध नहीं बनेगा। अगर कोई फर्जी इस तरह से आरोप लगाता है तो वो आरोप निराधार है, और अगर कोई मेले का बहाना लेकर के इस तरह से स्पर्श कर रहा लैंगिक आशय के प्रयोग से तब वो अपराधी हो जाएगा। या तो ये कार्य करता है योनि लिंग या गुदा या उसके स्तन को स्पर्श करता है, पकड़ता है, दबाता है, इसमें सब आता है, या अन्य से करता है यानी अन्य से भी कराता है, या तो खुद करता है इस तरह के कार्य या किसी से करवाता है, या लैंगिक आशय से यानी उससे संबंध बनाने के आशय से कोई कार्य करता है जिससे उससे संपर्क स्थापित हो सके, और भी कोई कार्य करता है ये न करके भी कोई और कार्य करता है जिससे उस बालक से या बालक से मतलब चाहे वो लड़की या लड़का हो उससे शारीरिक संबंध बनाया जा सके, ऐसा और कोई कार्य करता है। लेकिन संबंध बनाया गया है नहीं, संबंध अगर बनाया गया तब ये धारा 7-8 नहीं लगती है, तब दूसरी धारा लगती है। ये केवल लैंगिक आशय से ऐसा कार्य किया गया हो बस दूसरा है, तब ये SC ST एक्ट वो SC ST कर रहे हैं, यहाँ पे पॉक्सो एक्ट लग जाता है। अगर वो महिला SC ST है तो पॉक्सो एक्ट के साथ साथ उस पर SC ST एक्ट की भी धारा 3(2)(b)(a) लग जाएगी कम से कम, ठीक है, या धारा 3(2) का जो W है वो लग जाएगा यहाँ पे 3(2)(w) SC ST एक्ट का। अगर SC ST एक्ट नहीं है तो केवल पॉक्सो एक्ट लगेगा आरोपी पे। अब आ जाइए IPC की धारा 354-354A, स्त्री की लज्जा भंग करना। ठीक है स्त्री की लज्जा भंग करना ही लैंगिक आशय में यानी लैंगिक उत्पीड़न में शामिल है, लैंगिक हमला करना आ जाता है स्त्री की लज्जा भंग करना, क्योंकि लज्जा भंग में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो किसी भी महिला की चाहे वो 18 वर्ष की हो चाहे वो 100 वर्ष की हो, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन पॉक्सो तभी लगेगा जब उस बच्चे की यानी पीड़ित की उम्र 18 से कम है। अगर 18 से ऊपर है तब केवल IPC में मुकदमा चलेगा, पॉक्सो एक्ट नहीं लागू होता है स्त्री की। हाँ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड किया जाए डाला जाएगा कोई भी वीडियो तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाता है, और वीडियो को कमेंट भी आप लोग करते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि सर आपने जो पढ़ाया वो आपके लिए कितना लाभदायक है। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने लोगों को। हाँ कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो फ़ोन उठाइए और उस नंबर पर आप डायल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए तो स्त्री की लज्जा भंग में क्या आएगा, अब मैं क्या बताया कि यहाँ किसी भी एज की स्त्री हो, लेकिन ये बालक पे नहीं लागू होगी 354, ठीक है, वो केवल पॉक्सो एक्ट की धारा लगती है। इसमें कम से कम सजा क्या लिखा पहले इसको बता देते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। यहाँ कम से कम 1 साल का सजा लिख दिया गया है, मिनिमम 1 वर्ष तक का कारावास जरूर दिया जाएगा अगर किसी व्यक्ति को धारा 354 के तहत दोषी पाया जाता है तो, ये IPC की धारा है, और वो सज़ा बढ़ा के 5 साल तक भी की जा सकती है मैक्सिमम, लेकिन 1 साल से कम तो किसी कीमत पे नहीं होगा, और जुर्माना जरूर लगाया जाएगा, प्लस जुर्माना है ध्यान दीजिएगा, फाइन जरूर इम्पोज होगा उस पर आरोपी पे जब दोषी होगा कोर्ट के सामने तब। अब ये स्त्री की लज्जा भंग है क्या, स्त्री की लज्जा भंग का मतलब है कि किसी महिला को उसकी लज्जा को भंग करने के आशय से उस पर कोई हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, जैसे उसको पकड़ना, महिला को पकड़ना, उसके स्तन को दबाना, उसके प्राइवेट पार्ट को छूना, उसके शरीर को पकड़ना, उसके साड़ी को खींचना, उसके साड़ी को उतारना, उसका किस करना, ठीक है, ये सब क्या है स्त्री की लज्जा भंग की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से आपने कोई भी कार्य किया है तो धारा 354 का अपराध बनता है, ठीक है, यहाँ तक उसके हाथ पैर को सहलाना भी स्त्री की लज्जा भंग में आता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अब स्त्री की लज्जा भंग ये नहीं कि कोई महिला हाथ पैर दबाने के लिए कह दी है, ठीक है, और आप उसका हाथ पैर दबा रहे हैं क्योंकि दर्द हो रहा है उसको किसी कारण से, चोट है या कोई बीमारी है, तो वो स्त्री का लज्जा भंग नहीं है, स्त्री का लज्जा भंग मतलब लज्जा भंग करने के आशय से
आपराधिक बल का प्रयोग या हमला का प्रयोग करते हैं, यानी वही शरीर को पकड़ना, स्पर्श करना, चुम्बन लेना, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट को या उसके स्तन को, मतलब ये सब चीज़ों को छूना, दबाना, तब वो स्त्री की लज्जा भंग की श्रेणी में आता है और वहाँ पे मिनिमम सजा 1 वर्ष तक का कारावास, जो 5 वर्ष तक का मैक्सिमम हो सकता है, प्लस जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही साथ एक धारा 354A है जो बाद में जोड़ी गई है, इसमें सजा बढ़ा दी गई, लैंगिक उत्पीड़न कर दिया गया है। इस लैंगिक उत्पीड़न में किसी महिला से अस्पष्ट तौर से संबंध बनाने के लिए कहना, ठीक है, उसके समक्ष प्रस्ताव रखना लैंगिक उत्पीड़न में आता है। तो धारा यहाँ पे 354 का भी लगा दी जाती है, तो 354 का, और अगर वो 18 वर्ष से कम आयु का है तो पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में मुकदमा कायम हो जाता है, अपराध सब संज्ञेय आजमानतीय हो जाते हैं, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाएगा, जल्दी जमानत उसको नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत गंभीर धारा तो ये नहीं है, इससे भी गंभीर धाराएं और हैं, लेकिन इसमें भी बाहर से तो जमानत नहीं मिलेगी, अंदर जाना ही पड़ेगा जेल में, फिर उसको जमानत मिलेगी, मिल जाएगी जमानत, लेकिन अंदर जाना पड़ेगा, बाहर से बेल होना बहुत मुश्किल काम है। और जब वो कोर्ट के समक्ष दोषी पाया जाएगा तब उसको, अब दो धाराएं लिखी हुई हैं यहाँ पे, देखिए मैंने एक वीडियो पॉक्सो एक्ट पे और बनाया है जिसकी धारा 42 कहती है कि जब किसी व्यक्ति पर आईपीसी की इन धाराओं का आरोप हो और पॉक्सो एक्ट भी धारा लगी हो तो जिस धारा में सजा ज़्यादा होगी वही सजा उसे दी जाएगी, ये पॉक्सो एक्ट की धारा 42 कहती है। तो अब देखिए यहाँ सजा सबसे ज़्यादा पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है, मिनिमम सजा 3 साल है, यहाँ मिनिमम 1 ही साल है, तो अब उसे कम से कम 3 साल की सजा, यानी पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में उसे दोषी ठहरा दिया जाएगा। लेकिन अगर पॉक्सो एक्ट की धारा वहाँ नहीं बन रही, यानी उस व्यक्ति की उम्र, यानी पीड़ित की उम्र 18+ है, तब जो है केवल 354 या 354A में दोषी ठहराया गया है, तो इसमें सजा दे दी जाएगी। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये पॉक्सो एक्ट 2012 आपको समझ में आ गया होगा, धारा 7/8 इसकी क्या है। साथ ही साथ इसके जो और धाराएँ हैं 7/8 के अलावा, 6/ वो 5/6 हो गया, ठीक है, 3/4 हो गया और 9/10 हो गया, ये सब जितनी धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट पे सब पे वीडियो बनाया जाएगा, डिटेल में बनाया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो आपके गुंडा एक्ट हैं, ठीक है, गंगस्टर एक्ट हैं, और जितने भी अपराध आपको व्यवहार में मिलेंगे इन सब पे वीडियो धीरे धीरे बनेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी व्यक्ति पे फर्जी FIR ना दर्ज करवाए, किसी भी व्यक्ति पे फर्जी FIR ना दर्ज करवाए, उसको गलत तरीके से परेशान ना करें, क्योंकि ये कानून के अकॉर्डिंग भी गलत है, नैतिकता के आधार पे गलत है, सामाजिक कर्तव्य के आधार पे भी गलत है, कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। अगर आप इस तरह से, ठीक है, किसी पे फर्जी FIR दर्ज करवा करके परेशान करते हैं तो आपको ना तो कानून माफ़ करेगा, और ना ही अगर आप आस्थावान हैं, धार्मिक चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो इस तरह से आप गलती ना करिए। हाँ, अगर किसी ने गलत किया है, अपराध उसे किया है, तो आप उस पर FIR बिल्कुल दर्ज करवाइए। हाँ, अगर वो माफ़ी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, उससे गलती हो गई है, तो इससे बड़ा और कोई जो है उसमें न्याय नहीं होता है। अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो आप मामले को ख़त्म भी अपने कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई बात नहीं समझ में आती या किसी भी विषय पे और कोई जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी प्राप्त